आप देख सकते हो मेरे फोरहेड पर, मेरे माउथ एरिया पे बहुत ज़्यादा टैनिंग है, और ये टैनिंग बहुत मुश्किल से जाती है। मैं लाइट में हूँ, शायद मेरी टैनिंग उतनी दिख नहीं रही है, बट ये मुझे मेकअप से कवर करनी पड़ती है। तो इसको हटाने के लिए मैं यूज़ करूँ यहाँ पे D10, और ये D10 मेरी इस टैनिंग को हटा देगा। और मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगी मेरा फोरहेड पे एक अलग ही धूप की वजह से जो टैन आता है उसको हटाने के लिए मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। यह है प्रोफेशनल O3 का D10 एंड इसका प्राइस है 830, और ये मैंने नायका से बाय किया है, और ये कई बार यूज़ हो सकता है, 50 ग्राम इसमें आता है। ये क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा और स्मूथ करेगा। क्लेम करता है कि ये हील करेगा, ग्लो करेगी, ब्राइटनेस आएगी, लाइटन हो जाएगी स्किन। और ये इसकी कंडीशन है कि ये ऑल टाइप स्किन है, आप कोई भी स्किन पर इसे यूज़ कर सकते हो। ये ऐसा कंसल्ट करता है, और इसके रिजल्ट्स कैसे हैं चलिए देखते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए हमें एक सिंथेटिक ब्रश चाहिए होगा और एक कांच का बाउल चाहिए होगा, क्योंकि हम पूरे प्रोडक्ट को एक बार में ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो कांच के बाउल में हम निकालेंगे, देन अप्लाई करेंगे अपने फोरहेड पे। मेरे फोरहेड पे ज़्यादा टैनिंग है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सी लेयर अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे ये सारी टैनिंग हटानी है। आपको आईज से थोड़ा सा दूर अप्लाई करना है अपने फेस पे, और आपके माउथ एरिया पे ज़्यादा टैनिंग है तो माउथ एरिया पे आपको थोड़ी मोटी लेयर अप्लाई करनी होगी। जहाँ पे ज़्यादा टैनिंग है वहाँ पे आप मोटी लेयर अप्लाई करें। आपके फेस के स्किन और आपकी नेक की स्किन को इक्वल रखने के लिए आपको नेक पर भी अप्लाई करना होगा, ताकि ये दोनों का कलर जो है वो सेम लगे, क्योंकि हमारे कपड़ों में हमारी ये चीज़ ज़्यादा विजिबल होती है नेक वगैरह, तो नेक पर भी अप्लाई करना है। तो ये हमने अप्लाई कर लिया है, इसे 3 to 4 मिनट तक रखना है, और अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा टैनिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ। ये आपकी स्किन में इस तरह से ड्राई हो जाएगा, और जिस साइड का पोर्शन है उसको इस तरह से फिंगर से मिक्स कर सकते हो अपने फेस पे, ताकि वो अच्छे से वर्क करे लाइक दिस। सो अब हमें इसे क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आप किसी भी तरह का कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हो, गीला कपड़ा, या फिर आपके पास फेस क्लीन करने का स्पॉन्ज है तो आप उससे कर सकते हो। इस तरह से आपको वेट करना है अपने स्पॉन्ज को लाइक दिस, एंड इसको अपने फेस पे धीरे धीरे, ज़्यादा रब नहीं करना है फेस को, इस तरह से धीरे धीरे रिमूव करें लाइक दिस, अच्छे से रिमूव कर लें। एंड मैं रिमूव कर रही हूँ इसको। ओ वाओ, सी आप देख सकते हो मेरी फोरहेड पे जो माउथ एरिया पे जो टैनिंग थी वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट जा चुकी है। वाओ वाओ, अमेजिंग रिजल्ट, सीरियसली अमेजिंग। सी माय फोरहेड, माय माउथ एरिया, पहले वाला कंपेयर कर लो और अभी वाला। सी वाओ, अमेजिंग रिजल्ट, सीरियसली अमेजिंग। आप इसे जरूर ट्राई करें, एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।